जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 20 पर मोर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लिख भी दिया है, पूरा स्वाध्याय आपके नोटबुक में भी लिख दिया होगा, ठीक है। और पिको के बारे में या मोर के बारे में हमें लिखना है तो हम आसानी से बिना देखे, बिना बुक खोले हम लिख सकते हैं। मोर बहुत सुंदर पक्षी है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, मोर सबको बहुत प्रिय होता है, मोर पीहू पीहू आवाज करता है, मोर वर्षा ऋतु में गहकार करता है, मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है, खुश होने पर नाचता है, बादलों को देखकर नाचता है, ऐसे बहुत कुछ हम मोर के बारे में लिख सकते हैं। और अपने पंख अपना बदन भारी होता है इसलिए वो बहुत ऊपर तक उड़ नहीं सकता, ऐसा हम कम से कम 10 वाक्य लिख सकते हैं, बराबर। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 हिंदी भाषा, मीन्स द हिंदी लैंग्वेज के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज तो सबको इधर ध्यान रखना है, हिंदी भाषा देश की प्यारी, हिंदी भाषा हमको प्यारी, हिंदी भाषा पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। देश की प्यारी हिंदी भाषा हमको प्यारी, हिंदी भाषा पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। जन जन को है हिंदी भाती, जन जन को है हिंदी भाती, अपना यह भारत को एक बना। जन जन को है हिंदी भाती, जन जन को एक बनाती, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा, है ना। तो हम गाएंगे इसको, गाएंगे क्योंकि प्रास आ सकता है ऐसे। देश की प्यारी हिंदी भाषा हमको प्यारी, हिंदी भाषा देश की प्यारी हिंदी भाषा हमको प्यारी, हिंदी भाषा पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से, पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। जन जन को है हिंदी भाती, जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती, यह भारत को एक बनाती, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा।
सबको प्यारी हिंदी भाषा, देश प्यारी हिंदी भाषा, सबको प्यारी हिंदी भाषा। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती। जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। इस तरह गाएंगे तो जल्दी से अपने दिमाग में उतर जाएंगे, है ना। अब क्लिक करके कर सकते हैं ऐसे। देश प्यारी हिंदी भाषा, सबको प्यारी हिंदी भाषा। देश प्यारी हिंदी भाषा, सबको प्यारी हिंदी भाषा। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। जन जन को है हिंदी भक्ति, जन जन को है हिंदी भक्ति। साथ जन जन को है हिंदी भक्ति, यह भारत को एक बनाती। जन जन को है हिंदी भक्ति, यह भारत को एक बनाती। सब बोलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। सब बोलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। देश प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा। चलो इस तरह बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको आ जाएंगे। वो आपको बार बार बुक नहीं लिखनी पड़ेगी और आप पढ़ लेंगे। जैसे तैयार करनी है तो आप उसको बार बार रिपीट समझ के प्रयास से गाएंगे ना, तो जल्दी से वो आ जाती है, ओरल आ जाती है, फिर उसको पढ़ना नहीं पड़ता। एक बार बस अच्छी तरह से ध्यान से एक दो बार रिपीट करके आप पढ़ोगे गाओगे तो फटाफट आ जाएगा। देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा। देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी। ऐसे ऐसे बोलो, देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा। फटाफट बोलो, देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा। पढ़ते हैं बड़े बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। जन जन को है हिंदी पर, जन जन को, सबको, एक एक इंसान को, है ना। जन जन को है हिंदी बात, यह भारत को एक बनाती। जन जन किधर भी जाओ ना, हमारे देश में किसी भी कोने पर जाओ, हिंदी भाषा चलेगी। चाहे मलयालम हो, तमिली हो, पंजाबी हो, हरियाणी हो, असम हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, या महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाभारत, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई भी हो, भारत का कोई भी कोना हो, लेकिन उधर जाओगे कोई भी भाषा चलती होगी, दूसरी लोग बोलते होंगे दूसरी भाषा, लेकिन हिंदी भाषा बोलोगे सब लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हमारी ये नेशनल लैंग्वेज है, हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, मदर लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज है ना। तो हमारी मातृभाषा कौन सी है, मदर लैंग्वेज गुजराती,
है ना, गुजराती है और हमारी नेशनल लैंग्वेज जिसे हिंदी बोलते, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। इसलिए जनजन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती और सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। तो हम एक काम करते हैं और दूसरा एक वीडियो बनाते हैं, इसमें हम ये पॉइंट लिख देते हैं बराबर, और लिखने के बाद उसका स्वाध्याय लिखते हैं। पहले पॉइंट लिखते हैं, फिर शब्दार्थ, फिर इसका जो स्वाध्याय नीचे दिया गया है वो लिख देता हूं मैं। ओके, तो आप अच्छी तरह से ही पढ़ते हुए, अब मैं दूसरे वीडियो में स्वाध्याय के लिए रहा हूँ, ठीक है, और पहले लिख लेता हूँ शब्दार्थ स्वाध्याय। ओके।